सोचें। आज गुड्डा के बलवर्धा में अपहरण की गई लड़की को पुलिस ने किया बरामद, साथ ही अपहरणकर्ता को भी किया गिरफ्तार। एफआईआर दर्ज होने के एक घंटे के अंदर ही पुलिस को मिली कामयाबी। कहते हैं कि हर सफल टीम की सफलता में कप्तान की भूमिका काफी अहम होती है। यह उक्ति हमारे गुड्डा पुलिस टीम पर सटीक बैठ रही है। वर्तमान पुलिस कप्तान शैलेंद्र प्रसाद वर्णमाल के कुशल नेतृत्व में इस जिला की पुलिस टीम सफलता की बुलंदी पर चढ़ती जा रही है। ताजा मामला जिला के बलवड्डा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने प्राथमिक दर्ज होने के एक घंटा के अंदर ही अपहृत लड़की को बरामद एवं अपहर्ता को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। महरमा प्रखंड के बलवड्डा थाना में आज एक नाबालिग लड़की के अपहरण के सिलसिले में कांड संख्या 42/20 दिनांक 8/4/2020 धारा 363/366A/34 भादवी दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक श्री वर्णवाल के संज्ञान में मामला आते ही उन्होंने अविलंब एक पुलिस टीम का गठन किया। अरुण कुमार थाना प्रभारी बलवड्डा थाना के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया और अपने कप्तान का आदेश पाते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिक दर्ज होने के एक घंटे के अंदर ही ग्राम डोय थाना महरमा जिला गुड्डा से अभियुक्त गुड्डू रजक, पिता अरविंद रजक, साकिन डोय थाना महरमा को गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर अपहृत लड़की को सकुशल बरामद किया गया। अभियुक्त अपने घर के बगल में ही स्थित एक घर में छिपा हुआ था, जिसमें बाहर से ताला लगा हुआ था और वहां से भागने की तैयारी में था। गुड्डा से समाचार आज तक के लिए अभय परिवार की रिपोर्ट। हाय छोटी, का कर रही है? खेल रहे हैं। अरे वीडियो कर दे। एक लेडीज को भी बुला लिया फौजन बता। चल करो, आप बाहर आओ। हां अभी फौजन छीन लिया। रुक जा, गिर जाएगी। रुक जा, आराम से आराम से। देखो ना जी, अरे तू कहां जा रहा है?